हाँ भाई, गुड इवनिंग। राधे राधे। अपन चल रहे थे दोस्तों 2100 प्रश्नों की सीरीज के ऊपर चल रहे थे, और 2100 प्रश्नों की सीरीज में ना अपन ने बहुत सा सफर तय कर दिया था। आज जो चलेंगे अपन 551 से लेकर के भाई 600 तक, ना 600 प्रश्नों का सफर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन आने वाले सारे दोस्तों, अपन जैसे टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के चल रहे थे ना, आज जितने भी प्रश्न आएंगे सारे कौशल से रिलेटेड है। भाषा के अंदर चारों कौशल होते हैं, और जितने भी प्रश्न आएंगे ना वो केवल और केवल कौशल से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान रखना भाई, प्रश्न भले ही सरल है, प्रश्न जितने भी आएंगे ना सरल है, लेकिन उस दिन आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है कि चार ही कौशल में इसके बाद में कुछ नहीं बचता है। जितने प्रश्न मुझे डालने थे चारों कौशल के अंदर डाल दिया। भाषाएं बदली जा सकती है, ऑप्शन बदले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रश्नों के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रश्न जहाँ से आएंगे घूम फिर के वहीं से आएंगे। तो जितना भी मुझे डालना था इन कौशल के अंदर डाल दिया दोस्तों। तो चारों के चारों कौशल 50 प्रश्न केवल चार कौशलों पर टिके हुए हैं। तो अपन शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ दोस्तों ये कौशल होते क्या हैं, ना फिर बीच बीच में अपन नहीं समझेंगे, एक ही बार में समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि भाई चार प्रकार के कौशल अपन ने पहले पढ़ रखे, भाई सुनना, बोलना, पढ़ना, और उसके बाद में क्या सीख रखा है भाई अपन ने, लिखना। तो चार प्रकार के कौशल अपन ने पढ़ रखे हैं। भाषा का व्यवहारिक क्रम पूछे तब भी यही है, मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तब भी यही है, फ्रोबेल के अनुसार पूछे तब भी यही है। केवल एक मारिया मोंटेसरी नाम का ऐसा विद्वान हुआ था, उसने क्या किया कि सुनना और पढ़ना, तो सुनना और बोलना तो अपने जगह पर रखा, लेकिन पढ़ने की जगह पर क्या लेकर के आ गया, लिखना, और पीछे क्या लिख दिया, पढ़ना। इसने लास्ट में पढ़ना दे दिया, क्योंकि इसने ये कहा था कि भाई पढ़ने से लिखने से पहले पढ़ना सिखाना मुद्रण पर भोंकने के समान है। ये बात किसने कही थी, इस मारिया मोंटेसरी ने। इसलिए ना लिखना इसने ऊपर कर दिया, तो पढ़ना क्या कर दिया, इसके नीचे कर दिया। बस इसके अलावा सब कुछ इसी ने लिखा था। एक और शिक्षा शास्त्री हुआ था दोस्तों, सरयू प्रसाद महोदय। क्या नाम हुआ था भाई, सरयू प्रसाद महोदय। इस सरयू प्रसाद महोदय ने क्या किया, सीखने के क्रम, इसने कहा कि भाषा के कौशल तो चार होते हैं लेकिन सीखने के क्रम तीन ही होते हैं। सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, सुनने के बाद में बालक बोलना सीखता है, लेकिन बोलने के बाद में जो ये पढ़ना और लिखना है ना, ये एक साथ सीखता है, पढ़ना और लिखना एक साथ सीखता है। इसलिए सीखने के क्रम तो तीन है, बाकी भाषा के कौशल कितने हैं, चार हैं, ये बात इसने बताई थी। अब अपन बात करें दोस्तों अर्थ ग्रहण की दृष्टि से, कि किसके अंदर अर्थ ग्रहण अधिक किया जाता है या कम किया जाता है। अर्थ ग्रहण या इसके भाव्याभियुक्ति के तौर पर इसका देखें तो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से ना इसका पूरा उल्टा हो जाता है क्रम। सबसे पहले लिखना आ जाएगा, फिर पढ़ना आ जाएगा, फिर बोलना आ जाएगा, और अंत में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सुनना आ जाएगा। इसके बाद में अपन और बात करें दोस्तों, बोलना और सुनना जो कौशल है ना वो कहलाते हैं आपके व्यवहारिक कौशल। कौन से कौशल कहलाते हैं भाई, व्यवहारिक कौशल। और पढ़ना और लिखना जो है ना ये कौन से कहलाते हैं आपके, अधिगम कौशल, जिसके द्वारा आपको अधिगम करना पड़ता है। एक तो भाषा के संदर्भ में अपन ये बात रखनी है। एक मैंने आपको पहले बता रखा था भाई अभिव्यंजनात्मक कौशल, जिसको कहते हैं भाई अभिव्यक्त कौशल। कौन से कौशल भाई, अभिव्यक्त कौशल। अभिव्यक्त कौशल की बात करें कि जिसके द्वारा आप अभिव्यक्ति दे सकते हो, अभिव्यक्त कौशल कहलाता है। कौन कौन से कौशल, एक तो आप बोल करके अभिव्यक्ति देते हो, और एक आप लिख करके अभिव्यक्ति देते हो। तो बोलना और लिखना ये दोनों आपके अभिव्यंजनात्मक कौशल है या भाव अभिव्यक्त कौशल है। एक होता है ग्राह्य कौशल, जैसे सुन करके आप ग्रहण करते हो और पढ़ करके भी आप ग्रहण करते हो, ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ग्राह्य कौशल कहलाएंगे। भाई कौन से कौशल कहलाएंगे, ग्राह्य कौशल। इसी को हम कहते हैं भाव ग्रहण कौशल। क्या कहते हैं, भाव ग्रहण कौशल। तो हल्की हल्की सी ना कौशल के बारे में आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है। सारे प्रश्न जो आएंगे ना यहीं से घूम घूम करके आएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि श्रवण कौशल, श्रवण कौशल की शक्ति नहीं है दोस्तों, श्रवण कौशल विकास की शक्तियां होती हैं। ये पूछ रहा है भाई इसमें से कौन सी श्रवण कौशल की शक्ति नहीं है, भाई अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति या अबोध शक्ति। तो मैं आपको बता दूं भाई श्रवण कौशल की जो शक्तियां होती है ना तीन प्रकार की होती है। भाई कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। यह अंतर्बोध शक्ति भी होती है, यह धारण शक्ति भी होती है, यह बोधन शक्ति भी होती है, यह अबोध शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है। हल्का हल्का सा ये समझ लो भाई ये शक्तियां क्या होती है साथ साथ में। इन शक्तियों की बात करें दोस्तों क्या क्या ये शक्तियां होती है। जो अंतर्बोध शक्ति होती ना, अंतर्बोध शक्ति का मतलब ये हुआ कि भाई श्रवण कौशल आप सुन रहे हो ना, सुन करके एक जैसे शब्दों के अंतर अंतर करना सीख जाना, जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है। जैसे आपके एक शब्द लिखता हूं मैं वन बन, अब ये जो शब्द है ना वन बन, इनकी ध्वनि क्या है, लगभग एक जैसी है, इनमें अंतर करना कौन सी शक्ति कहलाएगी, अंतर्बोध शक्ति। जैसे एक और आपके लिखता हूं जैसे लड़की, और एक शब्द होता है ऐसा लकड़ी, ये ना एक जैसी ध्वनि वाले, लगभग लगभग एक जैसे, केवल अक्षर इधर उधर हो रहे हैं, इन दोनों में सुनकर के अंतर करना कौन सी कहलाएगी आपकी,
अंतर्बोध शक्ति कहलाएगी। दूसरी आती है इसके अंदर धारण शक्ति। धारण शक्ति के अंदर क्या होता है कि जो आपने यहां पे अंतर्बोध शक्ति के अंदर अंतर किया है ना, उसको अवचेतन अवस्था में याद रखना। कौन सी अवस्था में याद रखना भाई? अवचेतन अवस्था में याद रखना। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब जैसे भी इसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस शब्द को क्या बता देगा, उसका अर्थ बता देगा। तो जो आपने ध्वनि का अंतर यहां किया है ना, उस ध्वनि को अवचेतन मन में याद रखना। ये कौन सी कहलाती है? आपकी धारण शक्ति। अवचेतन अवस्था में धारण करना, इसको ग्रहण करना। फिर अंत में आती है भाई आपकी बोधन शक्ति। बोधन शक्ति का मतलब यह होता है कि किसी भी शब्द, कोई भी ध्वनि जो आपके कानों में पड़ रही है ना, उसका व्याकरणिक रूप याद रखना। व्याकरणिक रूप याद कैसे रखना? जैसे एक शब्द है आपके पास में पानी। क्या शब्द है दोस्तों? पानी। अब इसका व्याकरणिक रूप क्या होगा? प प्लस आ, ये तो बना भाई आपका पाप। न प्लस ई, इससे क्या बनी आपकी? नी। इन दोनों से मिलकर के क्या बनाए? पानी। ये आपके स्मरण में होना चाहिए। ये वाली जो शक्ति कहलाती है कौन सी कहलाती है? बोधन शक्ति। किसका शब्द जो सुन रहे हो आपके कान में, इसका वास्तविकता में व्याकरणिक रूप क्या है? तो श्रवण कौशल की शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो तीन प्रकार की श्रवण शक्तियां होंगी, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, और क्या हो जाएगी आपके? बोधन शक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अबोध नाम की कोई शक्ति नहीं है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का प्रमुख महत्व है। क्या शब्द लगा दिया? प्रमुख। एक चीज हमने ध्यान में ना दिमाग में रखो कि प्रमुख शब्द आ जाए, महत्वपूर्ण शब्द आ जाए, या पूछ ले भाई एक प्रमुख दोष है, या प्रमुख, महत्वपूर्ण, एक प्रमुख, ऐसे जब भी शब्द लगेंगे ना तो इन ऑप्शन में से उत्तर चेंज हो जाएंगे। एक प्रमुख का मतलब क्या हो गया? चार तो हैं लेकिन इसमें से मेन कौन सा है? महत्वपूर्ण का मतलब क्या हो गया? चारों के चारों हैं लेकिन इसमें से मेन कौन सा है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जब कभी भी शब्द पे प्रमुख या मेन आ जाए, मुख्य आ जाए, तब आप समझ लेना कि इसका ऑप्शन क्या होगा? एक होगा। कभी भी प्रश्न में तो ये लिखा है इसका प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ इसका एक मुख्य उद्देश्य है, और उत्तर में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो समझ लेना उपरोक्त सभी कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख दे दिया ना, इसका मतलब इसका उत्तर एक होगा, कभी भी उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन काटने के तरीके हैं। तो इसका उत्तर अगर प्रमुख दे रखा है ना, इसका मतलब इनमें से एक है। या मान लो कि डी की जगह उपरोक्त सभी भी लिखा होता ना, उसका उत्तर कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना भाई, प्रमुख और मुख्य आ गया मतलब उत्तर उपरोक्त सभी के अंतर्गत लगभग नहीं होगा, 99.99% नहीं होगा दोस्तों, 0.1% में कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको क्या रखना है भाई, यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अपन बात करें, ये पूछ रहा है श्रवण कौशल का प्रमुख महत्व है। एक तो ये कह रहा है ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का विकास करना। फिर ये कह रहा है भाई अन्य भाषा कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। एक या क्या पूछ रहा है शब्द ज्ञान में वृद्धि, शब्द ज्ञान में वृद्धि करता है। और अंत में क्या पूछ रहा भाई मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाना। इन चारों में से क्या सही होगा? ये पूछ रहा भाई श्रवण कौशल का प्रमुख महत्व है, श्रवण कौशल का मेन महत्व क्या होगा? क्या ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने का विकसित करना? यह भी है भी, छोटी छोटी ध्वनि है, कोई सी भी ध्वनि हो उसको एक बार आप पहचानने के लिए, उस ध्वनि को पहचान लो, इस क्षमता का विकास करने के लिए श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। हाँ किया जाता है, छोटी छोटी ध्वनि को भी क्या कर सकते हो आप? पहचान सकते हो। इसको आप ऐसे भी सुन सकते हो कि देखो आपके कानों की एक बात खास होती है भाई, जो ध्वनि आपके कानों ने कभी पहले नहीं सुनी होगी ना, उस ध्वनि का आपका कान कभी भी पहचान नहीं सकता है। आपको यदि किसी ध्वनि की पहचान करनी है ना, तो पहले वो ध्वनि आपके कानों में पड़ी होनी चाहिए। ये कह रहा भाई ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का विकास करना। यदि आपने ध्वनि पहले सुन रखी होगी ना, तो छोटी से छोटी आवाज भी होगी ना दोस्तों, उसको पहचान लोगे। जैसे किसी की आवाज आप बार बार सुनते हो, घर के अंदर भी किसी की आवाज बार बार आपके कानों में पड़ रही है, फिर कितना भी प्रोग्राम चल रहा हो, कहीं भी डीजे बज रहा हो, कितने भी लोग चिल्ला रहे हो ना, वो इंसान हल्का सा भी बोलेगा ना, आपके कान पहचान लेंगे कि हाँ वो आ गया है। ये क्या है? सूक्ष्म ध्वनि की पहचान कर रहा है, छोटी छोटी ध्वनि की पहचान कर देता है। ये भी एक इसका क्या है? उद्देश्य है। ये कह रहा भाई अन्य भाषा कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है, कि अगर बालक का श्रवण कौशल विकास नहीं हुआ ना, तो दूसरे जितने भी कौशल है ना, वो विकसित नहीं हो सकते। ये भी सही है। ये कह रहा है शब्द ज्ञान में वृद्धि, हाँ सुनेगा तो शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाना, इसको तो काट दो। ये श्रवण कौशल की बात कर रहा है, मौखिक का मतलब बोलने के अंतर्गत आता है, हालांकि सुन के ही बोला जाता है, लेकिन ये मुख्य काम किसका कर रहा है? मौखिक कौशल का कर रहा है, ये कट गया। शब्द ज्ञान में वृद्धि, दोस्तों शब्द ज्ञान में वृद्धि करने के और कई तरीके, पढ़ करके भी वृद्धि करता है ना, लिखते हुए भी वृद्धि करता है, मौन वाचन से भी वृद्धि करता है, स्वस्वर वाचन से भी करता है,
ये केवल श्रवण कौशल का प्रमुख महत्व बता रहा है। इन दोनों में आप ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हो। देखो, सूक्ष्म अंतर पहचानने की क्षमता को विकसित करना अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है प्रमुख महत्व पूछा है ना, इसका अगर भाषा कौशलों की दृष्टि से देखा जाए कि भाषा में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भी सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है अन्य भाषा कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार का मतलब क्या हो गया, यदि श्रवण कौशल आपका विकसित नहीं हुआ है ना, तो दूसरा कोई भी कौशल आपका क्या नहीं हो सकता है, विकसित नहीं हो सकता, इतना अच्छा विकसित नहीं हो सकता है। तो श्रवण कौशल को आपको विकसित करना क्यों जरूरी है, तो श्रवण कौशल आपको विकसित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाकी के जो तीनों कौशल है ना, वो इसी के ऊपर आश्रित रहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ना दोस्तों, कौन सा आ जाएगा आपके, बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। श्रवण कौशल के संदर्भ में, श्रवण कौशल के संदर्भ में असत्य कथन है, क्या पूछ रहा है ये, असत्य कथन है। किसके संदर्भ में, श्रवण कौशल के संदर्भ में, यानी कि इसमें से तीन सत्य हैं। पहले अपन सत्य वाले को बाहर निकालते, असत्य वाला अपने आप बाहर चला जाएगा। देखो, अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित करना बिल्कुल सही है, सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना, सुनते समय नहीं बोलना, सुनते समय प्रतिक्रिया देना, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था चार ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन यदि ऐसे मिल जाए जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तब समझ लेना कि इसमें से ही एक उत्तर होने वाला है, क्योंकि या तो वो होगा या नहीं होगा, एक दूसरे से विपरीत। यहां देखो, सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना और सुनते समय प्रतिक्रिया देना, दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत है, इसका मतलब उत्तर इन दोनों में से एक होगा। इन दोनों को हटा दो, ये दोनों नहीं होंगे। अब इन दोनों में से पहचानता, ये कह रहा है श्रवण कौशल के संदर्भ में असत्य कथन है। आप किसी की बात सुन रहे हो, एक तो प्रतिक्रिया नहीं दोगे या प्रतिक्रिया दोगे। दोस्तों, कोई आदमी आपके सामने वक्ता के रूप में बोल रहा है ना, तो समय समय पर यदि उसको बीच बीच में प्रतिक्रिया दे दी जाए ना, तो प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या हो गया कि उसको यह रहता है कि लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति को है ना और अच्छी करने की कोशिश करता है। सामने वाले को यह लगना चाहिए, तो जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे ना, तब तक इसको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो ना प्रतिक्रिया भाई देना चाहिए, नहीं देना इसका उत्तर नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया देना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा आजकल जो लड़के लड़की बात करते ना भाई, तो ना लड़कियों की क्या होती है, बोलने की आदत ज्यादा होती है ना, वो अगर बोलते जाए ना तो लड़कों के कान के ऊपर ऐसे मोबाइल लगा हुआ होता है, वो बोलते सुनते जाते ना बीच में फिर हल्का हल्का सा रिप्लाई देते हैं, अच्छा ओके ठीक। इससे क्या होता है, सामने वाले को गलतफहमी रहती है कि नहीं सुन रहे अपनी विधान को, और उनको मोटिवेशन मिलता है तो और वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं भाई, बातें निकालने की कोशिश करते हैं। तो श्रवण कौशल में क्या करना चाहिए आपको, सुनते समय प्रतिक्रिया देनी चाहिए, डी क्या हो जाएगा आपका, 100% सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। श्रवण कौशल का तत्व नहीं है दोस्तों, श्रवण कौशल के तत्व के बारे में पूछा है, जिसमें श्रवण कौशल का विकास होता है ना, वो कौन सा तत्व इसमें से नहीं है। मूल ध्वनि व समूह में अंतर करने की योग्यता विकसित करना, बिल्कुल मेन ध्वनि और समूह ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। धैर्यपूर्ण मनोयोग सुनने की आदत, यह भी सही है। श्रोता में सुनने की तत्परता, यह भी सही है। तुरंत प्रति उत्तर देने में तत्पर, यह नहीं होगा भाई, किसी की बात आप सुन रहे हो ना, तुरंत उत्तर नहीं देता है भाई। आज बात कब दी जाएगी, जब उसकी बात खत्म हो जाएगी ना, तब उसकी बात को आपको क्या देना है, जवाब देना है। कहना श्रवण कौशल का एक गुण है ना, पहले शांत चित्त होकर के सुनना, सामने वाला कितना कह रहा है पहले उसको पूरा का पूरा सुन लो, सुनने के बाद आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, सुनने के बाद उसका जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो ये कह रहा है तुरंत प्रति उत्तर देने में तत्पर, अरे उत्तर देने के लिए तत्पर नहीं होना चाहिए, पहले ध्यान से सुनो, सुनने के बाद फिर क्या दो उत्तर दो, ये इसका तत्व नहीं है। ये तीनों इसके तत्व है, मूल ध्वनि व समूह ध्वनि में अंतर करना बिल्कुल सही है, मेन ध्वनि कौन सी और ग्रुप के अंदर से जो ध्वनि आ रही है वो अंतर करना, यही तो कहलाता है ना बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को पहचानना। धैर्यपूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत, यह भी सही है। श्रोता में सुनने की तत्परता होनी चाहिए, श्रोता के अंदर बोलने की तत्परता नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रत्युत्तर देने में तत्पर मतलब बोलने में तत्पर होना, बोलने में तत्पर नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए आपके, श्रोता सुनने में तत्परता होनी चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर आपके सी होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। श्रवण कौशल विकसित करने के अंग है भाई, श्रवण कौशल विकसित करने के कितने अंग है ये पूछ रहा है भाई, दो अंगे, चार अंगे, छह अंगे या आठ अंगे। तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं भाई, श्रवण कौशल विकसित करने के दो अंगे भाई, कितने अंगे, दो अंगे। एक तो होता है भाई सामान्य अंग, कौन सा अंग होता है भाई, सामान्य अंग, और एक होता है आपका चयनात्मक अंग, कौन सा अंग होता है भाई, चयनात्मक अंग। इस सामान्य अंग के भी पांच आधार बताए दोस्तों, कितने आधार बताए हुए हैं, पांच आधार बताए हुए हैं, और इस चयनात्मक के ना पांच सोपान बताए हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि आधार को या सोपान को एक ही बात है, पांच पांच दोनों के आधार और सोपान बताए हुए हैं। इसने पूछा विकसित करने के अंग कितने भाई, दो अंग, एक तो सामान्य और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, चयनात्मक। देखियो इसके आगे रिलेटेड प्रश्न भी आएगा, दो इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो सामान्य श्रवण आ गया ना, ये कह रहा भाई सामान्य श्रवण का आधार नहीं है, मैंने पहले आपको भी बताया पांच प्रकार के आधार होंगे, कितने प्रकार के आधार होंगे भाई,
पांच प्रकार के आधार होंगे। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा आधार नहीं है, देखो सुनिए भी कौन कौन सा नहीं है। ये कह रहा है पर्याप्त श्रवण, सामान्य चित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण या नवीन ध्वनियों का श्रवण। देखो सामान्य का मतलब क्या होता है और चयनात्मक ध्वनि का मतलब क्या होता है, दोनों को अंदर समझिए। सामान्य का मतलब यह होता है कि हाँ आप जिस परिस्थिति में है वहां पे आपको सुनना ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चयनात्मक के अंदर क्या होता है कि आप चयन कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो श्रवण करो, आपकी मर्जी है तो ना करो। ये दोनों के अंदर, सामान्य के अंदर तो आपको सुनना ही है क्योंकि आपकी परिस्थिति वैसे ही बन जाती है कि सुनना आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन चयनात्मक के अंदर क्या होगा भाई, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है तो सुनो, आपकी मर्जी है तो नहीं सुनो। अब कह रहा है पर्याप्त श्रवण, पर्याप्त श्रवण का मतलब कोई बात आपको कह रहा है तो आपको मन भर के सुनना ही है। टीचर अगर पढ़ा रहा है, टीचर बोलते बोलते सुन रहा है तो आप क्या करोगे, पर्याप्त श्रवण करोगे। शांत चित्त श्रवण, जब आप सुन रहे हो ना तो मैंने पहले कहा था शांत चित्त, मन कैसा होना चाहिए आपका, शांत होना चाहिए। फिर आ रहा भाई एकाग्र श्रवण, एकाग्र का मतलब ध्यान लगा करके सुनना। अनौपचारिक श्रवण, ये भी आपको सुनना भी, आपकी इच्छा है कुछ नहीं करोगे, बस के अंदर जा रहे हो। कुछ लोग आप सीट के ऊपर बैठे हुए, आगे लोग बैठ करके किसी प्रकार की वाद विवाद करें, किसी चीज पे बात कर रहे हैं, पार्टी को लेकर के बात कर रहे, राजनीति को लेकर के बात कर रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, सुनना है। बाधाहीन श्रवण, बाधाहीन श्रवण का मतलब कहता है ऐसा श्रवण जैसे आप परिस्थिति में रहते हो ना, किसी ध्वनि को बार 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 आप सुनते हो ना, वह ध्वनि आपके लिए एक बार बाधाहीन हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे आप मुंबई में गए होंगे ना दोस्तों, तो मुंबई में क्या होता है भाई, ट्रेन की पटरियों के पास में लोगों के मकान बने हुए होते हैं, तो हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में वहां से क्या गुजरती है, ट्रेन गुजरती है। तो जैसे ही ट्रेन गुजरती है ना, उन ट्रेन की आवाज उनके फ्लैट वालों के कानों तक पहुंचती है, घरों तक पहुंचती है, लेकिन उनके कानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं, वो आराम से नींद निकाल लेते हैं। लेकिन आप यहाँ जाकर के सोओगे ना, एक घंटा नहीं सो पाओगे दोस्तों, क्योंकि आपके कानों को वो ध्वनि सुनने की आदत नहीं है। वो ध्वनि सुन सुन के ना, वो ध्वनि कैसी होगी उनके लिए, बाधाहीन हो गई है। तो सामान्य श्रवण के ये आधार है दोस्तों, पहला है पर्याप्त श्रवण, दूसरा शांतचित्त श्रवण, तीसरा एकाग्र श्रवण, चौथा अनौपचारिक श्रवण और पांचवा है दोस्तों बाधाहीन श्रवण। ये नवीन ध्वनियों का श्रवण है ना, ये चयन में आ जाएगा भाई, कोई नवी आवाज आपको सुननी है, आपकी मर्जी आप सुनो ना सुनो, ये चयनात्मक के अंदर आएगा। तो ये पूछ रहा है भाई नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, चयनात्मक श्रवण के सोपान नहीं है, वही आधार उसके पांच थे, इसके पांच सोपान है भाई, कौन से सोपान नहीं है, इसमें से पांच तो है और एक नहीं है, कौन कौन सा है जो देखिए। अनौपचारिक श्रवण पहले ही पकड़ लो, मैंने अभी अभी पीछे वाले प्रश्न में बताया है। देखो अनौपचारिक श्रवण किसके अंदर आता है, सामान्य श्रवण के अंदर आता है, तो ये अनौपचारिक श्रवण नहीं है, इसका सही उत्तर तो ये हो गया। लेकिन देख लो इसके अंदर सर्व सोपान कौन कौन से, तो वो भी पहचान लो। पहला भी समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण करना, ये इसका पहचान है। समस्या मूलक कोई ऐसी ध्वनि है जो आपके कानों को परेशान कर रही है, आप उसको नहीं सुनना चाहते हो, या आपके चयन के ऊपर आएगा, आपकी मर्जी ऐसी ध्वनि को सुनो, आपकी मर्जी ऐसी ध्वनि को मत सुनो। अनुपात सांचों का श्रवण, अनुपात सांचों का श्रवण का मतलब क्यों, किसी चीज को आप सुन रहे हो ना, आपकी मर्जी की आप उस श्रवण को किस लेवल तक सुनते हो, आपकी मर्जी की उसको कितना अच्छा सुनते हो। फिर आता है व्याकरणिक रूपों तथा संदर्भ वाक्यों का श्रवण, ये कह रहा है व्याकरणिक रूपों का मतलब क्या हो गया कि व्याकरणिक ज्ञान आपको पढ़ना आता है कि भाई ये क है, क्या है इसका अर्थ आपको पता है कि ये क है, लेकिन कोई बता रहा है आपको ये क प्लस अ मिलकर के क बना है, अब ये बात आप सुनो या ना सुनो आपकी मर्जी, क्योंकि आप क पहले से पहचानते हो। फिर आता है संदर्भ वाक्यों का श्रवण, संदर्भ वाक्यों का मतलब क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर बीच बीच में संदर्भ वाक्य कहते हैं किसी को सही चीज समझाने के लिए, आपको चीज समझ में आ गई है, फिर अध्यापक संदर्भ वाक्य कह रहे ना, अब आपकी मर्जी वो संदर्भ वाक्य सुनो या ना सुनो, वो भी कैसा कहलाएगा आपका, चयनात्मक कहलाएगा दोस्तों। कौन सा कहलाएगा, चयनात्मक। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, श्रवण कौशल के दोष का कारण है, श्रवण कौशल के दोष का कारण है, श्रवण कौशल के अंदर दोष कैसे उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई, कक्षा का कठोर नियंत्रण, मौखिक कार्य का अभाव, या पाठ्य वस्तु की कलिष्टता, या उपयुक्त सभी। देखो आंसर तो उपयुक्त सभी सही होगा, आप सभी सोच रहे हो भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये क्या क्या है। देखो कक्षा के अंदर यदि कठोर नियंत्रण रहेगा, कठोर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, पहले टीचर होते थे ना केवल लकड़ियां लेकर के घूमते थे, कोई आवाज नहीं करेगा, पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन क्या नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा, तो जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक आदमी सुनेगा कैसे, तो कठोर नियंत्रण से भी ना श्रवण कौशल का दोष होता है। मौखिक कार्य का अभाव, यानी कि बालकों को बोलने का मौका यदि कम दिया जाएगा ना, तब भी कौन सा रहेगा, श्रवण कौशल का अभाव रहेगा। पाठ्य वस्तु की कलिष्टता, पाठ्य वस्तु यदि कठिन है दोस्तों, यानी इसके शब्द इतने कठिन है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो ना, तो आप सुनने की इच्छा ही नहीं करोगे, क्योंकि अपने कानों की एक आदत होती है, वही चीज सुनता है जो उसको अच्छी लगती है, जो चीज अच्छी नहीं लग रही वो नहीं सुनेंगे। पाठ्य वस्तु के अंदर यदि शब्द कठिन है, कठिन शब्द अपने कान नहीं सुनेंगे, क्योंकि कानों को क्या नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वही चीज सुनते जो इसको अच्छा लगता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न,
श्रवण कौशल दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा श्रवण कौशल का निराकरण नहीं किया जा सकता? मैंने पहले ही बताया था आपको, परीक्षा के अंदर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में जहां कभी भी नहीं असत्य संदर्भ के असत्य कथन, इसके संदर्भ में सही है या नहीं है ऐसा प्रश्न आ जाए ना, हाँ या नहीं शब्द वाले, उनको पहले ही जाकर के आप गोला कर दो, क्योंकि मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होता है ना यही होता है, हाँ में या नहीं में। ऐसे प्रश्न जब भी आए ना तब उल्टे ऑप्शन काटो। उल्टे का मतलब, जैसे इसने पूछा ना श्रवण कौशल दोष निराकरण नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें से किसी एक में से नहीं किया जा रहा है ना, तो तीन में से तो किया जा सकता है, पहले उन तीनों को पकड़ो, है ना, सीधा चौथा पकड़ने की कोशिश मत करो। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऐसे किया करो, तो क्या होगा, कभी ऐसा प्रश्न भी आ गया ना, आप उसका बिना पढ़े, आपको उत्तर नहीं भी आ रहा ना, फिर भी आप उसका उत्तर निकाल सकते हो। ऐसे सत्य असत्य नहीं हाँ नहीं वाले प्रश्न आते ना, उसमें सही वाले को पकड़ो, जो पूछ रहा है ना वो मत पकड़ो, जो नहीं पूछ रहा है वो अलग करो। अब ये पूछ रहा है श्रवण कौशल दोष निराकरण नहीं किया जा सकता, अरे शांत वातावरण के द्वारा, मुझे बात बताओ, यदि अशांत वातावरण होगा तो श्रवण कौशल कैसे संभावित होगा? श्रवण कौशल कैसे वातावरण में होता है? शांत वातावरण, तो शांत वातावरण निर्माण करके तो श्रवण कौशल के दोष को दूर किया जा सकता है, सही है। एक समय में एक ही काम करके, ये भाषा का नियम है दोस्तों, यदि आप कोई भी चीज सीख रहे हो ना, एक समय में केवल एक काम किया करो, एक से अधिक काम यदि एक साथ में करोगे ना, उसका ज्ञान का कभी स्थायीकरण नहीं हो पाएगा। आप सुन रहे हो तो केवल और केवल सुनो, आप लिख रहे हो तो केवल और केवल लिखो, ना दो काम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हो आप, तो ये एक साथ में एक समय करके भी क्या होगा, सुन सकते हो। यानी कैसे, जैसे आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो, आप श्रवण कौशल के माध्यम से पढ़ा रहे हो, मान लीजिए बच्चे आपको सुन रहे, धीरे धीरे एक बच्चे ने एक बच्चे को कोहनी मार के कहा थोड़ा उधर खिसक, ये थोड़ा उधर खिसक और कोहनी मारने का जो समय हुआ ना, इसमें उनका श्रवण कौशल क्या हो गया, भंग हो गया, क्योंकि उनका काम था सुनना, बीच में उन्होंने दूसरा काम कर दिया, तो श्रवण कौशल क्या हो जाएगा, भंग। तो एक समय में एक काम करके श्रवण कौशल का दोष दूर किया जा सकता, सही है। कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण के द्वारा, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में अभी आया था कक्षा में कठोर नियंत्रण से दोष होता है, ये कह रहा है स्वस्थ नियंत्रण के द्वारा, हाँ भाई कक्षा के अंदर ये स्वस्थ नियंत्रण होगा ना तो श्रवण कौशल को दूर किया जा सकता है। ये कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा, हाँ भाई इससे भी निराकरण दूर किया जा सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है निराकरण नहीं किया जा सकता तो भी मौखिक के द्वारा इतना नहीं किया जा सकता। मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे प्रश्न जो आया ना वो अध्यापक के संदर्भ में आया, किसके संदर्भ में आया दोस्तों, अध्यापक के संदर्भ में। मौखिक अभिव्यक्ति यदि बच्चा बोलेगा ना, अधिक से अधिक यदि अधिक बोलेगा ना, उसका मौखिक कौशल का विकास होगा, श्रवण कौशल का नहीं होगा दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा मौखिक कौशल का विकास होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, डी हो जाएगा भाई, ये रहा अपना प्रश्न। अरे कभी कभी चारों ऑप्शन सही लगते ना, उसमें बाकी के तीन ऑप्शन देख करके पता लगाना पड़ता है कि कौन सा सही नहीं होगा, किसके सही होने की संभावना कम है। आप खुद को पता है ना, रीट में 5 से 10% तो डिलीट होते हैं, या 5 से 10% पे रीट लग जाती है, जिसको वो कौन सा सही माने और कौन सा सही नहीं माने, तो पेपर में गड़बड़ियां होना आम बात है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए ना, तो वेटेज देखना भाई, कौन से प्रश्न का वेटेज सबसे ज्यादा है। ये क्या पूछ रहा है, देखिए ये कह रहा है श्रवण कौशल विकास नहीं किया जा सकता, श्रवण कौशल का विकास नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा श्रवण कौशल का विकास नहीं किया जा सकता है भाई, सुलेख के द्वारा, एकांकी कविता पाठ द्वारा, गीत शैली का प्रयोग द्वारा, या संवाद या वाद विवाद द्वारा। देखो संवाद या वाद विवाद यदि करेगा तभी बालक क्या कर रहा है, सुन रहा है, गीत शैली गीत को भी बालक क्या कर रहा है, सुन रहा है, एकांकी कविता पाठ यदि आप पढ़ रहे हो तो बालक क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुलेख द्वारा नहीं किया जा सकता, ना सुलेख का मतलब क्या होता है, अच्छी राइटिंग में लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखने से ना लेखन कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए सही उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ पे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल की विधि नहीं है, इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो श्रवण कौशल की नहीं है दोस्तों। ये कह रहा भाई सस्वर वाचन, अक्षर बोध विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या श्रुति लेख विधि। ये कह रहा है श्रवण कौशल, श्रुति लेख आप लिखते हो, श्रुति लेख का मतलब क्या है, सुन रहे हो और फिर लिख रहे हो, तो ये श्रवण कौशल की विधि होगी। प्रश्नोत्तर विधि में, अरे प्रश्न बालक सुनेगा तभी तो वो उत्तर देगा, श्रवण कौशल की विधि है। अक्षर बोध विधि, इसको एक बार टिक करो, ये पूछ रहा है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन कर रहे हो तभी बालक क्या होगा भाई, सुनेगा। सही उत्तर जो होगा ना इसका क्या होगा, अक्षर बोध विधि। दोस्तों अक्षर बोध का मतलब क्या होता है, अक्षर को देख करके समझना, ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, वाचन के अंतर्गत आ जाएगी, या अपन कह सकते हैं भाई, है ना, किसके अंदर आ जाएगी आपके, वाचन के अंदर ले सकते हो, या इसको आप लेखन के अंदर ले सकते हो, किसके अंदर, लेखन के अंदर। अक्षर बोध वहां करता है भाई, श्रवण में कहीं नहीं करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अक्षर बोध विधि, ये नहीं है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल की विधि है, पहले पूछा था कि नहीं है, अब क्या पूछ रहा है कि है। निम्नलिखित में से श्रवण कौशल की विधि है, रोल प्ले, व्याख्या संभाषण,
भाषा यंत्र या उपयुक्त सभी। देखो रोल प्ले का मतलब क्या होता है भाई, हम कल ही मैंने बताया था, कल वाली क्लास में बताया था, रोल प्ले का मतलब होता है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये भी क्या कर रहा हूं, रोल प्ले कर रहा हूं, तो आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो। व्याख्या और संभाषण के द्वारा, बिल्कुल अध्यापक व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएगा या संभाषण के माध्यम से पढ़ाएगा तो विकास होगा श्रवण कौशल का, सही है। भाषा यंत्र के द्वारा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों, भाषा यंत्र जो होता है ना भाई, भाषा यंत्र जो होता है ना, इसके द्वारा बालक सुन करके ना उच्चारण शुद्धि करता है, क्या करता है भाई, उच्चारण शुद्धि। लिंगवा फोन इसका सही उदाहरण है, कौन सा भाई, लिंगवा फोन जो है ना भाषा यंत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या करते हैं, कठिन कठिन शब्दों को रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है, फिर बालक उसको सुन करके साथ साथ में दोहराते हैं। तो लिंगवा फोन भी ये जो भाषा यंत्र है ना, वो भी क्या है, श्रवण कौशल की विधि है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, उपयुक्त सभी, डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मौखिक कौशल की प्रकृति है, क्या पूछ रहा भाई, मौखिक कौशल की प्रकृति है, तो इसमें से तीन तो नहीं और एक है, शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है, आप जो बोलते हो उसमें पहले शब्द बोलते हो और बाद में अर्थ निकालते हो, ये क्या इसकी ये प्रकृति है, अर्थ से शब्द की ओर बढ़ता है, आप जब भी सुनते हो तो पहले अर्थ निकालते हो और फिर शब्द को सुनते हो, ऐसा ये बोला भाई, शब्द से मौखिक कौशल की पूछ रहा भाई, पहले आप अर्थ निकालते हो और फिर बोलते हो, फिर बोलता भाई शब्द से वाक्य की ओर बढ़ता है, पहले शब्द बोलता है फिर वाक्य की ओर बढ़ता है, वाक्य से शब्द की ओर बढ़ता है भाई, ये भी है वाक्य से शब्द की ओर बढ़ना, ये बढ़ना भी मौखिक कौशल का हो सकता है, लेकिन ये पूछ रहा भाई मेन वाक्य शब्द से वाक्य की ओर बढ़ना, ये रचना शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, ये दोनों प्रकृति के अंदर ही नहीं, ये दो प्रकार की प्रकृति होती है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की, शब्द से वाक्य बनना मतलब ये रचना शिक्षण में आता है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य उसके अंदर आ जाएगा, ये पूछ रहा भाई मौखिक कौशल की प्रकृति नहीं है, ये शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है और अर्थ से शब्द की ओर बढ़ता है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, जब एक दूसरे के विपरीत यदि कोई ऑप्शन आ जाए ना, उन दोनों में से एक सही होगा, इसलिए इनको तो आप पहले ही काट दो, ये तो कभी भी नहीं हो सकते, मैंने पहले ही कहा ना भाई विपरीत ऑप्शन आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, या तो ये सही होगा और या ये सही होगा। अब आप बताओ मौखिक कौशल यानी आप बोलते हो, पहले शब्द बोलते हो फिर अर्थ निकालते हो, या पहले अर्थ समझते हो और फिर शब्द बोलते हो, दोस्तों ध्यान रखना मौखिक कौशल के अंदर जब बालक बोलना स्टार्ट करता है या बोलता है ना, पहले शब्द बोलता है, क्या बोलता है भाई, शब्द सुनता है, शब्द आने के बाद उसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, और जब तक आपने शब्द बोले ही नहीं तब तक इसका अर्थ कैसा निकलेगा ना, तो ध्यान रखना भाई शब्द पहले बोला जाता है, बाद में क्या निकलता है आपका, अर्थ निकलता है, सही उत्तर क्या होगा आपका, ए, पहले शब्द बोला जाएगा और फिर उसका अर्थ समझाया जाएगा, तो मौखिक कौशल शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है दोस्तों, अर्थ से शब्द की ओर नहीं बढ़ता है, ए इसका सही उत्तर होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, मौखिक कौशल का महत्व है, क्या पूछ रहे थे, मौखिक कौशल का महत्व है, ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, व्यवसाय कार्य में सहायक, व्यक्तित्व विकास में सहायक। मौखिक कौशल के द्वारा ज्ञानार्जन किया जा सकता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण साधन है व्यवसाय, क्योंकि मौखिक कौशल के द्वारा जो अनपढ़ लोग होते हैं ना भाई, वो भी पढ़ लेते हैं, जो कभी विद्यालय में नहीं गए, जिन्होंने भाषा का कभी अधिगम नहीं किया, वो भी मौखिक कौशल के द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं ना, तो मौखिक ज्ञानार्जन किया जा सकता है। व्यवसाय कार्य में सहायक, आप अपने जीवन में जितने भी व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, उसके अंदर सर्वाधिक यदि कोई भाषा का प्रयोग होता है ना, कौन सा होता है, मौखिक कौशल के द्वारा बोल करके सर्वाधिक कार्य करते हैं। व्यक्तित्व विकास में सहायक, बिल्कुल ना, जिन लोगों की बोलने की शक्ति अच्छी होती है, जो बोलने प्रभावी तरीका बोल सकते हैं ना, वो क्या बना सकते हैं, अपना हर जगह पर अपना इंप्रेशन बना सकते हैं दोस्तों, बोलने के प्रभाव से है ना अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास भी इसमें होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। ये रहा आपका प्रश्न, देखो ना हर बार लेवल वाले प्रश्नों में मत उलझो, आपको ऐसा लगता है कि लेवल वाले प्रश्नों से सब कुछ होगा तो नहीं होगा, पहले ये देखो कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, उसके लेवल के आधार पर प्रश्नों का लेवल देखो, प्रश्नों का लेवल तो बहुत बहुत बड़ा होता है, एक एक कौशल 5-5 घंटे तक चलता है, तो क्या आप इतना सब कुछ पढ़ोगे, नहीं, अपने रीट में क्या लेवल आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों का लेवल क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न करा करके, भारी भारी प्रश्न करा करके ना दिमाग को फालतू में परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, पहले के पेपर उठा करके देखो कि क्या लेवल रहा है, और दोस्तों आप समझ रहे हो कि इस बार लेवल बढ़ जाएगा, लेवल कैसे बढ़ जाएगा, पहले जब 2018 में पेपर बना था तभी बच्चों का मानसिक स्तर के आधार पर बना था, किसके आधार पर बना था, मानसिक स्तर का, अब भी बाल को जो पेपर बनाने वाला है ना, मानसिक स्तर तो वही रहेगा ना, मानसिक स्तर कैसे चेंज करेगा, उसके नजर में आप रीट सेकंड लेवल की परीक्षा दे रहे हो मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है, थर्ड फर्स्ट लेवल की परीक्षा दे रहे हो मतलब आप बारहवीं पास हो, वो उसके आधार पर आपका मानसिक स्तर जांचेगा, उस आधार पर क्या बनाएगा, पेपर बनाएगा, तो मानसिक स्तर वही रहने वाला है, तो पेपर का लेवल कैसे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना पेपर का लेवल, प्रश्नों की भाषाएं कठिन हो सकती है, मानसिक स्तर वही रहेगा, तो ना ज्यादा लेवल लेवल वाले प्रश्न पढ़ करके भी ना अपने आप को मत करो भाई, लेवल वाले प्रश्न कक्षा में पढ़ना अच्छा लग सकता है लेकिन परीक्षा में आए नहीं आए ये भी तो ज्यादा जरूरी है ना, तो अपन इतना भी दिमाग खराब नहीं करेंगे ना, मेरा टारगेट केवल यह था कि भाई इन प्रश्नों के माध्यम से आपके चारों के चारों कौशल क्या हो जाए,
कंप्लीट हो जाए वो मैं करवा दूंगा क्लास के एंड तक। वदन कौशल का महत्व नहीं है। वदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना। वदन का मतलब भी क्या होता है भाई? बोलना। संस्कृत में जो आप इसमें जो कहते हो ना मौखिक कौशल, उसको क्या नाम दे दिया गया भाई? वदन कौशल। क्या नाम दे दिया गया है? वदन कौशल। ये पूछ रहा भाई वदन कौशल का महत्व नहीं है, बोलने का क्या महत्व नहीं है? सजीवता तथा भाव प्रदर्शन लाना, अनुकरण अभ्यास के अवसर मिलते हैं, इसकी मूलभूत इकाई वर्ण है और भाषा की शिक्षा इसी से आरंभ होती है। देखो बात किसकी कर रहा है? वदन की। वदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना। क्या होता है भाई? बोलना। ये पूछ रहा सजीवता तथा भाव प्रदर्शन के लिए आप, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में ये भाव प्रदर्शन भी कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, क्या है? भाव प्रदर्शन है। जब मैं भाव प्रदर्शन कर रहा हूँ तो शिक्षण में क्या आ रही है? सजीवता आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो बिल्कुल सही है भाई। अनुकरण अभ्यास के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जो आप बोलोगे बच्चे बोल करके सीखेंगे और साथ साथ में वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। इसकी मूलभूत इकाई वर्ण है। अरे वर्ण कैसे होगी? बोलना किस पर आधारित है भाई? ध्वनि पर आधारित है। बोलने का मतलब क्या हो गया? कंठ से क्या निकल रही है आपकी? ध्वनि निकल रही है। इसकी मूलभूत इकाई वर्ण ना होकर के इसकी मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ध्वनि होगी इसकी मूलभूत इकाई। भाषा की शिक्षा इसी से आरंभ होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना। भाषा अधिगम की शिक्षा कहाँ से आरंभ होती है? वदन कौशल से भाई, मौखिक कौशल से। कौन से कौशल से होती है? मौखिक कौशल से। इसीलिए आपने देखा होगा विद्यालय में जो बच्चे भेजे जाते थे ना, वो 6 वर्ष की आयु में भेजे जाते थे। कितनी वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की। 6 वर्ष की आयु में इसलिए भेजे जाते थे क्योंकि उनको पता था कि 6 वर्ष का बालक हर शब्द जो आप प्रयोग करने वाले हो, जो व्यवहारिक शब्द है ना, उनको बोलना सीख जाता है। जब बालक व्यवहारिक शब्दों को बोलना सीख जाता है ना, उसके बाद में उसको कौन सी भाषा की शिक्षा दी जाती है? अधिगम भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा का आरंभ भी किससे होता है दोस्तों? वदन कौशल से होता है, मौखिक कौशल से होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा दोस्तों। महत्व नहीं है, इसकी मूलभूत इकाई वर्ण नहीं है। इसकी मूलभूत इकाई क्या है भाई? ध्वनि है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मौखिक कौशल की विशेषताएं नहीं है। क्या पूछ रहा भाई? मौखिक कौशल की विशेषताएं नहीं है। नहीं है मतलब 3 विशेषताएं हैं इसके अंदर। ये पूछ रहा भाई वास्तविकता, आप जो शब्द बोल रहे हो ना, मौखिक जो बोल रहे हो ना, शब्द कैसे होने चाहिए आपके? वास्तविक होने चाहिए। दूसरा भाषा स्पष्ट और सुबोध। वास्तविकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था ना, आज भी दिया था या कल कभी एक क्लास में दिया था। कुछ लड़की होती ना वो ऐसा बोलती है जैसे मैं आ रहा हूं। अब उन लड़कियों के लिए जो सही शब्द होगा ना वो तो होगा भाई मैं आ रही हूं। लेकिन है ना, हाँ भाई, वो समानता के चक्कर में क्या बोल जाती है कभी कभी, मैं आ रहा हूं। ये भाषा का वास्तविक दोष नहीं है। ये मौखिक कौशल का क्या होगा? दोष होगा। मैं आ रही हूं, ये क्या होगी? सही होगी। तो आप बोल रहे हो ना, तो क्या बोलना है आपको? वास्तविक चीज बोलनी है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, यह भी सही है। प्रतिकूलता, फिर बोलते हैं शुद्धता और मधुरता। जो बोल रहे हो वो शुद्ध बोलो और कैसे बोलना है आपको? मधुर बोलो। ये तो बिल्कुल सही है भाई। प्रतिकूलता नहीं होती दोस्तों, अनुकूलता होगी। क्या होनी चाहिए मौखिक के अंदर? अरे विशेषताएं इसकी अनुकूल। भाषा कैसी होनी चाहिए? हाँ, व्यवहार के यानी परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये इसका सही उत्तर होगा। डी इसका क्या आंसर होगा भाई? आपका सही आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मौखिक कौशल। अरे ये कौशलों के प्रश्न पढ़ने के बाद में ना आपको कौशल में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौशल का सारा मैटर मैं इसमें खींच करके ले आया हूँ। कौशल पढ़ते पढ़ते 4 कौशल कंप्लीट। और आपको पता है ना, कौशल से लेके चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में मिला करके कम से कम 3 से 4 प्रश्न कौशल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पिछले पेपर में उठा करके देख लेना, इतने के इतने पूछे गए। तो 3 से 4 प्रश्नों का मैटर है ना, तो सारा का सारा मैं यहाँ पे ले आया हूँ। भाषा बदल देगा आपकी, प्रश्नों के ऑप्शन बदल देगा आपके ना, लेकिन कंटेंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रेट में कुछ बचते ही नहीं है, जो है जो यही है। देखो मौखिक कौशल की विशेषताएं हैं, पहले पूछा था विशेषता नहीं है। ऐसे प्रश्न में क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपको विशेषताएं याद हो जाएं। नहीं है पूछा था तब मैंने 3 विशेषताएं बताई थी, अब वापस पूछ रहा हूं विशेषता है तब मैं आपको वापस 3 विशेषता बताऊंगा। तो 6 की 6 विशेषता क्या होगी? आपको याद हो जाएगी। ये पूछ रहा विशेषता है भाई, भावा अनुकूल और प्रसंगा अनुकूल भाषा। आप बोल रहे हो ना, तो भावों के अनुकूल होनी चाहिए और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। किस विषय के ऊपर कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो भाषा कैसी होनी चाहिए आपके? प्रसंगा अनुकूल होनी चाहिए और भावा अनुकूल। जैसे आप महाराणा प्रताप का तो पाठ पढ़ा रहे हो विद्यालय के अंदर, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाते ना मरे मरे बोल रहे हो, तो बच्चों के अंदर क्या नहीं आएगी? फीलिंग नहीं आएगी, भाव नहीं आएगी। पाठ यदि महाराणा प्रताप के अंदर बोलते बोलते आपके अंदर जोश भी होना चाहिए, तो भाषा भावानुकूल होनी चाहिए। सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, सर्वमान्य भाषा जो सभी जगह से मानता है। जैसे मैंने बताया ना, मैं आ रहा हूं, लड़की ऐसे बोलती है, सर्वमान्य भाषा भी नहीं है दोस्तों। सर्वमान्य का मतलब जो सभी लोगों ने सही मान रखी हो। पृथ्वीकरण जिसका हुआ, पृथ्वीकरण का मतलब पृथ्वी पे उस भाषा को कैसे बोला जाता है, वह सर्वमान्य भाषा होगी। गतिशीलता बिल्कुल जरूरी है कि किस गति से आपको कैसे बोलना है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, वदन कौशल की विधि है। वदन कौशल का मतलब होता है दोस्तों बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना। मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, पहली चाहे बोलना की पूछे, वदन कौशल की, श्रवण की और मौखिक कौशल की,
विधियां लगभग सारी कैसी हैं, एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है भाई। श्रवण कौशल की विधियों में और मौखिक कौशल की विधियों में कोई अंतर नहीं है, लगभग लगभग सारी विधियां कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो ये पूछ रहा भाई, वदन कौशल की विधि है समग्र भाषा विधि, रोल प्ले विधि, ध्वनि साम्य विधि या संगति विधि। क्या पूछ रहा भाई, वदन कौशल की विधि है भाई, समग्र भाषा विधि। समग्र भाषा का मतलब क्या होता है, सारी भाषा मिलकर के बोलना भाई, समग्र भाषा विधि तो होती है। रोल प्ले विधि, रोल प्ले कर रहे हो तो बोलोगे भाई, ये तो ही है। ध्वनि साम्य विधि कौन सी, वो कह रहा है भाई ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य का मतलब क्या होगा, ध्वनि को सुन करके आप पहचानते हो, ध्वनि सुन करके बोलते हो। तो वदन कौशल का मूलभूत आधार भी ध्वनि है दोस्तों, बोल रहे हो ना, वदन का मतलब क्या होता है, बोलना, बोल रहे हो तो ध्वनि मैंने भाई। ये संगति विधि नहीं है, इसकी संगति विधि है। क्या पूछ रहा है भाई, संगति विधि क्या पूछ रहा है, अच्छा विधि है संगति विधि। अरे प्रश्न वापिस देखना पड़ेगा भाई आपका, है ना, नहीं है। ये पूछ रहा भाई, वदन कौशल की विधि है समग्र भाषा विधि, रोल प्ले विधि, ध्वनि साम्य विधि या संगति विधि। तो वदन कौशल की अपन विधि की बात करें दोस्तों, वदन कौशल का मतलब होता है बोलना भाई, ये कैसे प्रश्न आ गया ना। अरे वदन कौशल की विधि नहीं है, ये प्रश्न सही होगा यहाँ पे, विधि है नहीं होगा दोस्तों। और सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, संगति विधि सही हो जाएगा। समग्र भाषा विधि, रोल प्ले विधि, ध्वनि साम्य विधि, ये सारी श्रवण कौशल की विधि भी है और साथ साथ में मौखिक कौशल की भी है। प्रश्न यहाँ पे गलत टाइप होगा, नहीं है, होना चाहिए था तो संगति विधि इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे कैसे आ गया था प्रश्न भाई, चारों विधि ना। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मौखिक कौशल का विकास करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। मौखिक कौशल का यदि आप विकास कर रहे हो, वदन कौशल का विकास कर रहे हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई। स्वर यंत्रों की साधना करें, बिल्कुल सही है। बोलने में आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए, अच्छी आवाज होनी चाहिए। तो भाषा यंत्रों की साधना कैसे कर सकते ना, बोलते ना कभी कभी गले के ना योग व्यायाम भी आते हैं, या जोर जोर से चिल्ला करके बोलना चाहिए, कभी कभी ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, कभी यदि आपको बोलने का दूसरे दिन काम ज्यादा है तो आज आपको कम बोलना चाहिए। ये क्या है, स्वर यंत्रों की साधना है दोस्तों, बिल्कुल करनी चाहिए। कठिनाई वाले बालकों के लिए अतिरिक्त क्लास लगानी चाहिए। हाँ, जिनको बाल बोलने में दिक्कत आती है, जैसे हकलाने तुतलाने वाले बालक हैं, जो धीरे पढ़ने वाले बोलक हैं, जिनके बोलने की अभी तक स्पीड या गति इतनी नहीं है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं आया है, उनके लिए अतिरिक्त क्लासें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मौखिक क्रियाकलाप होना चाहिए, बोलने के सारे क्रियाकलाप होने चाहिए, बात मौखिक ही कर रहा है तो मौखिक क्रियाकलाप होने चाहिए। इसका भी डी उत्तर सही हो जाएगा भाई, उपयुक्त सभी। यह रहा आपका अगला प्रश्न, मौखिक कौशल विकसित करने के क्रियाकलाप नहीं है। क्या पूछ रहा है, मौखिक कौशल विकसित करने के क्रियाकलाप नहीं है। अब यह पहचानो कि किस क्रियाकलाप के द्वारा मौखिक कौशल विकसित होता है दोस्तों। अंत्याक्षरी और वाद विवाद, देखो अंत्याक्षरी में भी बोल रहा है, वाद विवाद में भी बोल रहा है। श्रुति लेख, श्रुति में क्या करता है, सुनता है और लिखता है, यहां बोलने का कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक बार तो ये उत्तर आपका सही हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बिल्कुल सुनते हैं। अभिनय या कवि सम्मेलन, बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रुति लेख जो है ना, इसका सही उत्तर होगा। श्रुति लेख के द्वारा मौखिक कौशल कभी भी विकसित नहीं किया जा सकता। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पठन कौशल के सोपान है। क्या पूछ रहा भाई, पठन कौशल के कितने सोपान है। अरे पठन कैसे किया जा सकता है, अब वदन पूरा हो गया, अब कौन सा आ गया, पठन। पठन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ना, है ना, इसी को कहते हैं भाई वाचन कौशल। क्या कहते हैं, वाचन करना, पठन करना। दोस्तों ध्यान रखना भाई, संस्कृत के अंदर वाचन नाम का कौशल नहीं होता है, इस वाचन कौशल को केवल एक ही नाम से जानते हैं, वो कौन सा है आपका, पठन। कभी संस्कृत के अंदर पूछ ले भाई वाचन कौशल होता है, तो वाचन कौशल नाम का कोई नहीं होता है। ये रचना और वाचन, ये दो शब्द आप संस्कृत से बाहर निकाल दो, ये संस्कृत में होते ही नहीं है। तो पठन कौशल के सोपान है 3, 2, 4, 6, तो पठन कौशल के भाई 2 सोपान है। आप सबको पता है भाई कौन कौन सा है भाई, एक तो भाई किया जाता है सस्वर वाचन, कौन सा किया जा सकता है, सस्वर पठन या सस्वर वाचन, और एक आता है आपके मौन वाचन या मौन पठन। ये दो क्या है आपके पठन के प्रकार, दो तरीके से पढ़ोगे, या तो सस्वर पढ़ लोगे या फिर कैसे पढ़ लोगे भाई, मौन वाचन पढ़ लोगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पठन कौशल के सोपान नहीं है। क्या पूछा इसने, पठन कौशल के सोपान नहीं है। यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी एक बार समझा चुका हूं। देखिए पठन कौशल के सोपान नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। पठन कौशल का मतलब आप पढ़ रहे हो ना, उस पढ़ने के कितने सोपान है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले आप अक्षर का प्रत्यक्षीकरण करते हो। प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप उस अक्षर को देखते हो, देखने के बाद में उसका अर्थ ग्रहण करते हो। क्या करते हो दोस्तों, अर्थ ग्रहण करते हो कि इसका मतलब क्या है। पहले इस क को देखा, फिर इसका अर्थ ग्रहण किया कि इस क को क बोला जाता है, फिर इसका क्या करते हो प्रयोग, क्या करते हो प्रयोग। कबूतर लिखना होगा तो फिर क ना बू से पहले ऐसे क लगा दोगे आप। तो पहले प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर अर्थ ग्रहण करता है, फिर प्रयोग करता है। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, पठन कौशल के सोपान है। ये पूछ रहा है नहीं है, यह स्पष्टीकरण इसका सोपान नहीं है दोस्तों। डी इसका सही उत्तर होगा।
ये रहा आपका अगला प्रश्न, पठन कौशल के प्रकार होते हैं। वापिस कैसे आ गया भाई ये प्रश्न, अभी तो गया था पठन कौशल भाई सॉरी, ये प्रश्न ये पूछ रहा है पठन कौशल के सोपान है ना, इसको प्रश्न वापस लो, प्रकार वहां पूछा था भाई, सोपान पूछा है प्रकार नहीं पूछा है, सोपान तीन है भाई पठन कौशल के, अभी देखा था ना भाई, प्रत्यक्षीकरण है, प्रयोग है और अर्थ ग्रहण है, इसने सोपान पूछा था, सोपान क्या होगा इसके, तीन होगा भाई, ऐसा ही होगा इसके अंदर, आपने प्रकार पढ़ लिया था, मैंने सोचा एक जैसे प्रश्न दोबारा कैसे आ गए, पठन कौशल के प्रकार है। देखो ना मुझसे भी अगर गलती हो सकती है ना तो जल्दबाजी में जो प्रश्न करते हो ना बड़ी बड़ी गलती हो सकती है, छोटा सा प्रश्न भी क्या हो गया अभी जल्दबाजी में गलत हो गया, कल प्रकार और सोपान को अपन ने क्या पढ़ लिया, अलग अलग पढ़ लिया, ऐसी गलती होती है दोस्तों, कितनी भी कोशिश करो ना, इसलिए बार 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 प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों। हालांकि मैं तो जल्दबाजी में करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक घंटे में 50 करने हैं प्रश्न, तो वहां तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं होगी, आप समझ सकते हो ना। तो ये पूछ रहा है प्रकार होते ना, अब प्रकार दो होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं दो, यही वो सस्वर और मौन, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई दो, पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं, सोपान जो होते हैं ना वो कितने होते हैं तीन। ये रहा अगला प्रश्न, सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं भाई, सस्वर वाचन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का आपका सस्वर वाचन होता है, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है भाई व्यक्तिगत, कौन सा होता है व्यक्तिगत, और दूसरा जो होता है ना वह होता है भाई सामूहिक, कौन सा होता है सामूहिक, या इसी को हम कहते हैं भाई समवेत, क्या कहते हैं समवेत, चाहे समवेत कह दें चाहे सामूहिक कह दें, दोनों के उत्तर सेम होंगे दोस्तों, और एक होगा आपका व्यक्तिगत। सस्वर वाचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, या तो सारे बच्चे एक, या तो अकेला बच्चा पढ़ेगा या सामूहिक सारे बच्चे एक साथ में पढ़ेंगे, दो इसका सही उत्तर होगा। फिर क्या प्रश्न है, सस्वर वाचन है ये पूछ रहा भाई, सस्वर वाचन है केवल आदर्श वाचन, केवल अनुकरण वाचन, एक शब्द और ध्यान सुन लो भाई ऑप्शन काटने के चक्कर में, ये जब केवल केवल शब्द यदि किसी के आगे आ जाए ना, केवल यही है, केवल यही है, एकमात्र ऐसे शब्द आ जाए ना, तो समझना भाई उसके सही होने की संभावनाएं कम बचती है, क्योंकि किसी भी चीज का एकमात्र उत्तर बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना, केवल या एकमात्र किसी ऑप्शन के आगे लगाए ना, तो समझना भाई इसके सही होने के चांस बहुत कम है या नहीं के बराबर है। ये बेरा सस्वर वाचन होता है केवल आदर्श वाचन, केवल अनुकरण वाचन, स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ने वाला वाचन, या भावानुकूल वाचन। देखो केवल आदर्श वाचन भी नहीं होता है क्योंकि अनुकरण वाचन भी होता है, केवल अनुकरण वाचन भी सस्वर वाचन नहीं होता है क्योंकि वह भी होता है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ने वाला, अरे नहीं, सस्वर वाचन करते समय या बोलते समय ना आपके अंदर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, यह भी नहीं होगा दोस्तों। भावानुकूल वाचन ये बिल्कुल सही होगा, भावों के साथ साथ में बोलना, भाव व्यक्त करते हुए साथ साथ में बोलना, तो सस्वर वाचन है, भावानुकूल वाचन है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना भाई केवल या एकमात्र ऐसे यदि कोई शब्द लगे हुए ना तो इसका सही उत्तर है ना, माना केवल और एकमात्र ऐसे शब्द लगे हुए ना, तो ध्यान रखना भाई केवल या एकमात्र ऐसे शब्द वाले ऑप्शन सही होने की संभावनाएं कम रहती है। या ऑप्शन काटने के तरीके हैं, देखो दो तरीके, दो तीन तरीके तो मैंने आपको बता दिया, एक तो जहां नहीं आए तो उसने नहीं वाले को हाथ नहीं लगाना, जो है उसको हाथ लगाना, या पूछ ले है तो मतलब तीन नहीं है उनको हाथ लगाना, फिर आपको प्रश्न यदि ऐसा पूछ ले कि दोनों में एक जैसा अंतर पूछ ले, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए जिनमें दोनों एक जैसे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो समझ लेना इन दोनों में से ऑप्शन सही होगा, दो वाले वैसे ही काट देना। फिर आपको ना ऐसा प्रश्न पूछ ले कि प्रमुख या महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी उपयुक्त प्रश्न वाले प्रश्न सही नहीं होते, ऐसा ना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, और मैं आपको 2100 प्रश्न होते होते ना एक्सपर्ट बना दूंगा कि ऑप्शन काटे कैसे जाते हैं। सस्वर वाचन की विशेषताएं हैं, अब देखिए केवल विशेषताएं पूछिए तो इसके अंदर उपयुक्त सभी सही हो सकता है, लेकिन यहां पे मुख्य या प्रमुख शब्द लगा दिया जाता है ना तो जरूरी नहीं फिर उपयुक्त नहीं होगा, मुख्य या प्रमुख तो एक चीज ही होती है, आप किसमें रुचि रखते हो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, आप मुख्य रूप से किसमें रुचि रखते हो इसका एक ही उत्तर होगा। शब्दों में ध्वनियों का ज्ञान कराना बिल्कुल भाई 100% है, सस्वर वाचन के द्वारा शब्दों से ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है। विराम चिन्हों का ज्ञान कराना बिल्कुल, विराम चिन्हों का ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का अर्थ स्पष्ट एवं रुचि उत्पन्न करना, शब्द जो होते हैं ना उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए बालकों में इंटरेस्ट पैदा करना, ये भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, सस्वर वाचन के उद्देश्य नहीं है। अब पहले उद्देश्य पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, नहीं है तो मैंने पहले ही पूछ लिया, जब भी नहीं आए ना तो तीन है वालों को बाहर निकालो भाई। लय गति आरोह अवरोह का ज्ञान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, रखा जाता है, ये तो है, ये उत्तर नहीं होगा। रसास्वादन करना, सस्वर पढ़ा रहे हो तो रस के साथ ही पढ़ा रहे हो ना, कराना, ये भी है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। द्रुत गति से पढ़ना सिखाना, रुकिए भाई इसके, रुचि उत्पन्न करना, अरे भाई इंटरेस्ट तो उत्पन्न करते ना सस्वर वाचन से, ये नहीं पूछ रहा भाई। द्रुत गति से, तेज गति से पढ़ना सिखाना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सस्वर वाचन देना आरोह अवरोह लय गति के साथ आराम से किया जाता है, तेज नहीं किया जाता है, तेज तो केवल और केवल मौन वाचन किया जाता है। कौन सा किया जाता है भाई, मौन वाचन किया जाता है। सही उत्तर होगा आपका सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न,
सस्वर वाचन का उद्देश्य है, पहले नहीं है पूछ लिया था, अब उद्देश्य, केवल उद्देश्य है पूछे तो उपरोक्त सभी सही हो सकता है ना। सिंपल अगर पूछा है उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो 99% चांस है कि उपरोक्त सभी सही होगा। ये पूछ रहा भाई लिपि का पूर्ण ज्ञान देना, बिल्कुल भाई लिपि का ज्ञान दिया जा सकता है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, अरे सस्वर वाचन से गा करके कोई चीज पढ़ोगे, पद्य जो मीरा के दोहे हैं, तुलसी के दोहे जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे वो आप गा करके पढ़ रहे हो ना, तो उनसे रिलेटेड जो नए नए शब्द होंगे ना बच्चे ग्रहण करेंगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। लेखन शैली से परिचय कराना, बिल्कुल सही है ना, किस चीज को कैसे लिखा जाता है इसका परिचय भी सस्वर वाचन से कराया जा सकता है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा भाई। अरे ऑप्शन काटना सीख रहे हो ना बराबर, बस ऐसे सीखता रहना ना, आपके शिक्षण विधियों में बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन काटना जरूरी है, ज्ञान जरूरी नहीं है, शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान। आज तक मैंने जितने पेपर दिए ना बस एक ही काम अपना है भाई, ऑप्शन काटना। ऑप्शन काटना सीख गए ना तो आपको आनंद आ जाएगा इस 80 नंबर में। 50 नंबर की शिक्षण विधि है और 30 नंबर की साइकोलॉजी। ऑप्शन काटना सीख गए ना तो 75 से 80 नंबर आपके यहाँ से हिलने वाले ही नहीं है। और ऑप्शन काटने नहीं सीखे ना तो कितने ही ज्ञान भर दें आपके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन काटना आना जरूरी है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है भाई सस्वर वाचन का गुण है, देखो केवल गुण पूछा है ना तब कोई भी सही हो सकता है, प्रमुख पूछता तो एक ही होता। ये कह रहा है भाई सस्वर वाचन का गुण है शुद्ध लेखन, अरे वाचन कर रहे हो तो लेखन कैसे करोगे ये नहीं है। अनुचित वाचन मुद्रा, यार वाचन वाचन नहीं पूछ रहा भाई, गुण है अनुचित नहीं भी, उचित वाचन मुद्रा होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। प्रभाव उत्पादकता इसको रोकिए, अस्वाभाविकता नहीं भाई स्वाभाविकता होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पादकता। सस्वर वाचन आपको कैसा करना चाहिए जो सामने वाले में क्या उत्पन्न कर जाए, प्रभाव। इसीलिए मैंने कहा ना हाव भाव के साथ में, आप क्या चीज पढ़ा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आपके हाव भाव होने चाहिए, तभी सामने वाले के अंदर क्या उत्पन्न होंगे भाई, प्रभाव उत्पन्न होंगे। और जब तक प्रभाव उत्पन्न नहीं होंगे ना दोस्तों तब तक ना आप उससे जुड़ोगे भी नहीं और समझोगे भी नहीं। आपने देखा कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं ना बिना किसी बात किए ना तुरंत, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में गेप भी नहीं लेता हूं, सांस तक भी नहीं लेता, तुरंत क्यों पढ़ाया जाता हूं, ताकि आपकी नजरें ना मुझसे हटे नहीं और आपका ध्यान मेरी तरफ से हटे नहीं। क्योंकि शिक्षण विधियां कैसी है भाई, त्वरित गति से पढ़ाई जाने वाली, तेज गति से। बड़ा कंटेनर 50 नंबर का, धीरे धीरे चलेंगे तो कब पूरा होगा, तो तेज गति से पढ़ाने की विधि, तो इसको तेज गति से पढ़ा रहे हैं, उसी हाव भाव से पढ़ा रहे हैं, तब आपके ऊपर क्या डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, इसलिए तो आप जुड़ रहे हो ना। प्रभाव नहीं डाल रही होती तो आप जुड़ते थोड़ी अभी तक। तो सस्वर वाचन कैसा होना चाहिए आपका, प्रभाव उत्पादक वाला होना चाहिए। यह रहा आपका अगला प्रश्न भाई, सस्वर वाचन का गुण नहीं है। देखो नहीं वाले प्रश्न आते हैं आपको है वाले पकड़ने हैं। पहले उचित ध्वनि का निर्माण करना, क्या सस्वर वाचन के द्वारा ये किया जाता है भाई, 100% किया जाता है। अनुचित हाव भाव, अरे अनुचित हाव भाव कैसे होंगे भाई, सस्वर वाचन करें तो भाव भाव कैसे होने चाहिए, उचित हाव भाव होने चाहिए, ये नहीं हो सकता भाई। अंगों का संचरण, हाँ अंगों का संचरण होना चाहिए, साथ साथ में आपके हाथ हिलने चाहिए। अरे सस्वर वाचन संस्कृत के अंदर जब वेद मंत्र पढ़े जाते थे ना तो वेद मंत्र में मात्राएं लगाई जाती, बच्चे ऐसे मंत्र बोलते रहते थे, उनका हाथ है ना इस तरीके से हिलते रहते थे, वो क्या है, अंगों का संचरण है दोस्तों। सस्वर के साथ में अंगों का संचरण कंपलसरी है। उचित बल तथा विराम का प्रयोग, किस शब्द पर कितना जोर लगाना है, बला का जिसे कहते ना, कितना जोर लगाना है, कितना विराम का प्रयोग करना है, कहां पे कौन सा विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, किसे पता चलता है आपका, सस्वरों का पता चलता है। आपने एक उदाहरण भी सुना होगा, कौन सा उदाहरण भाई, ये ना रोको मत जाने दो, कौन सा उदाहरण था आपके अंदर, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ना इस पे अगर विराम चिन्ह यहां लगा दिया जाए ना तो इसका अर्थ अलग लिखेगा, रोको मत जाने दो, लेकिन विराम चिन्ह यदि यहां लगा दिया जाए ना इसका अर्थ अलग, रोको मत जाने दो, दोनों का अर्थ अलग निकलेगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल जरूरी है, जब तक सस्वर वाचन करो विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं तो सस्वर सही नहीं हो सकता दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा, अनुचित हाव भाव नहीं, अनुचित हाव भाव नहीं होने चाहिए, कैसा होना चाहिए आपके, उचित हाव भाव। यह रहा आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन के संदर्भ में असत्य कथन है, वापिस असत्य आ गया तो तीन सत्य को पकड़ो। अब मौन वाचन आ गया भाई, बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है, बालक गहन अध्ययन करता है, सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करता है, सर्वाधिक निरस्ता भी आती है। ये पूछ रहा भाई असत्य कथन है, देखो सर्वाधिक निरस्ता इसी में आती है, मैंने पहले ही बताया था मौन वाचन एक ऐसा वाचन है जिसमें बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण भी करता है और सर्वाधिक निरस्ता भी इसी में आती है। तो ये दोनों तो सही है दोस्तों, अर्थ ग्रहण भी सर्वाधिक करेगा और निरस्ता भी, बालक गहन अध्ययन करता है भाई, मौन वाचन का एक भाग है गंभीर वाचन या गहन वाचन, गहन वाचन के लिए मौन किया जाता है, ये भी सही है। सही उत्तर है बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है, सर्वाधिक सक्रिय नहीं रहता है, बालक सर्वाधिक सक्रिय सस्वर वाचन में रहता है, इसमें तो कैसा रह जाता है, निष्क्रिय रहता है भाई, कैसा रह जाता है बालक, निष्क्रिय। अरे ना तो आपके आवाज स्वर यंत्र हिल रहे हैं ना कहीं आवाज आ रही है, चुपचाप आप पढ़ोगे ना थोड़ी देर बाद में आपका ध्यान वहां से भटकने लगेगा, यानी कि चुपचाप आप पढ़ते हो ना तो आंखें तो वहीं रहती है, दिमाग कहीं और चला जाता है, इसमें बालक निष्क्रिय हो सकता है, सक्रिय नहीं रह सकता, ये इसका उत्तर सही होगा। बाकी ये तीनों इनके बातों में सही है ना, स मौन वाचन के संदर्भ में ये तीनों बातें 100% सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन के प्रकार है, इस पे मुझे सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे, सर कंफ्यूजन दूर कर दो, कंफ्यूजन दूर कर दो, कंफ्यूजन दूर कर दो। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, पहले बात करते भाई हिंदी की,
हिंदी के यदि मौन वचन के प्रकार की बात करें ना, 100% दो प्रकार होते भाई। एक तो होता है भाई गंभीर और एक होता है आपका त्वरित। दो प्रकार के मौन वचन होते भाई, एक तो गंभीर या जिसे गहन कहते हैं, ये त्वरित या जिसे द्रुत कहते हैं। ये दो प्रकार ही होते भाई। या तो आप तेज गति से मौन वचन करोगे या फिर कैसे करोगे भाई, आप गंभीर गहन वाचन करोगे, है ना। गहराई से कोई चीज निकालिए तब क्या करोगे आप, मौन वाचन करोगे। लेकिन संस्कृत में कभी कभी क्या होता है, इन तीनों की जगह पे ना एक और सामान्य मौन वाचन भी दिया हुआ होता है। कौन सा वाचन? सामान्य मौन वाचन भी दिया होता है। लेकिन संस्कृत में भी मुख्य रूप से तो दो ही है दोस्तों, कितने हैं भाई? दो है। इस तीसरे की कोई वैल्यू नहीं है। अब पता नहीं ये चीज तीसरी कैसे मार्केट में आ गई और क्या हो गया भाई, धीरे धीरे वो चीज मार्केट में चल गई है। तो ध्यान रखना भाई, हिंदी में तो 100% दो ही है, तीसरा है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले आपको, इसका भी अपन और पता कर लेंगे ना, हिंदी में दो माने जाते हैं अभी, है ना भाई। 2020-21 में अगर इन्होंने तीसरा ऐड कर दिया होगा तो और पता कर लेंगे। बाकी 100% 19-20 के हिसाब से तो क्या है भाई, आपके दो ही सही है और दो ही माने जाएंगे। लेकिन ये संस्कृत में कभी कभी है ना सामान्य मौन वाचन भी पढ़ा दिया जाता है। ये सामान्य मौन वाचन नहीं होता है दोस्तों। सामान्य क्या है, नॉर्मल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। नॉर्मल दो ही तरीके से पढ़ेगा आप मौन वाचन कर रहे हो, या तो तेज गति से पढ़ोगे या गहन गति से पढ़ोगे। अरे यहाँ गहन और त्वरित और सामान्य, सामान्य कुछ नहीं है इसके अंदर, तो सामान्य वाचन भी नहीं होता है। मुख्य रूप से तो दो होता है, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत में इसको कितना माना जाता है भाई, तीन। अब प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रश्न पूछ ले मुख्य रूप से तो दो करना, प्रश्न ऐसे पूछ ले केवल होते तो तीन कर देना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये मैं संस्कृत की शिक्षण विधि लेकर के आऊंगा ना, तब इस प्रश्न को मैं और क्लियर कर दूंगा। अभी ध्यान में रखो भाई, अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो। केवल और केवल क्या हो जाएगा भाई, दो। अरे इतना कंफ्यूजन लेकर के मत चलो ना, कंफ्यूजन किसी प्रकार का मत रखा करो, दो ही होता है, मतलब दो ही होता है। फिर ये क्या पूछ रहा भाई, मौन वाचन का महत्व नहीं है, तो वापस है वाले तीन निकालो। गहन अध्ययन करना 100% है, थकान कम आना, और बिल्कुल थकान कम आएगी ना, ना तो आपका शरीर चल रहा है और ना आपके स्वर यंत्र हिल रहे हैं, तो थकान भी क्या आएगी इसमें, कम आएगी। एकल भाव विकसित करना, इसको एक बार नोट करो, ये पूरा स्वर यंत्र सुरक्षित, बिल्कुल स्वर यंत्र आपके सुरक्षित रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं, है ना। आँख गला कंठ वगैरह कुछ भी काम नहीं करते, केवल और केवल आंखों की दृष्टि और दिमाग पड़ता है उसके साथ में ना, बाकी आपके होंठ दांत गला कंठ सब क्या रहते, सुरक्षित रहते दोस्तों। तो स्वर यंत्र भी सुरक्षित रहते हैं, थकान भी कम आती है, और गहन अध्ययन करना, ये तीनों इसके महत्व हैं। केवल और केवल नहीं है तो कौन सा भी, एकल भाव विकसित करना। देखो एकल भाव विकसित करना शिक्षण के अंदर नहीं सिखाया जाता है, अकेला रहना कभी भी शिक्षण में नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता है भाई, समूह में रहना। किस में सिखाया जाता है, समूह में रहना। तो मौन वाचन एकल भाव विकसित नहीं करता है, समूह में करता है दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन का महत्व है, पहले नहीं थे अब हैं। तीन पहले वाले में निकले, तीन इसमें निकलेंगे, छह महत्व आपको याद हो जाने चाहिए। चिंतन व स्वाध्याय की रुचि जागृत करता है, बिल्कुल मौन वाचन के द्वारा बालक चिंतन या तर्क शक्ति उसकी बढ़ती है। विषय के साथ आत्मसात कर लेता है, बिल्कुल आप मौन वाचन के साथ में यदि किसी विषय को पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते इतना उस विषय के अंदर डूब जाओगे ना, एक बार उस विषय से आपको प्रेम हो जाएगा भाई, आत्मसात हो जाएगा, जो है जो वो यही है। ये मौन वाचन के द्वारा ही संभव है, ये बिल्कुल सही है। अवकाश का सदुपयोग, ये तो आप सब जानते हो, छुट्टी है क्या करें, बैठे बैठे पढ़ लें, जोर से पढ़ोगे तो घर वाले डिस्टर्ब होंगे, तो कैसे पढ़ोगे भाई, मौन वाचन पढ़ोगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। अब क्या पूछ रहा भाई, पहले पूछा था भाई उद्देश्य है, अब पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है। अधिक समय में कम ज्ञान देना, परिचित शब्दावली का सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना, दृष्टि विराम को विकसित करना, भाव ग्रहण योग्यता का विकास करना। दोस्तों भाव ग्रहण योग्यता का विकास करना 100% जो है ना इसका मौन वचन का उद्देश्य है, इसके द्वारा भाव ग्रहण किए जा सकते हैं। दृष्टि विराम को विकसित करना, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आप मौन वचन कर रहे हो, पहली बार यदि मौन वचन कर रहे हो तो क्या होगा, आप पहली बार यदि मौन वचन करने के लिए बैठो ना, ऐसे हाथ रखकर किताब लेकर के पढ़ना, आपका ध्यान क्या होगा, पढ़ते पढ़ते एक बार वहां से कोई एक ही बार में आवाज देगा, आपका ध्यान हटा, फिर वापस किताब की तरफ आएगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा आप कहां पढ़ रहे हो। लेकिन 15-20 दिन महीने पर तक ये प्रैक्टिस कर लोगे मौन वचन की ना, फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, किसी ने आवाज दी उस तरफ देखोगे, और जैसे आपकी नजर वापस किताब पे ना उसी जगह पड़ेगी जहां आप पढ़ना रुके थे। ये क्या है, दृष्टि विराम को विकसित करना दोस्तों। आपने कहां रोक करके छोड़ा है और ध्यान कहां गया और वापस वहीं से पढ़ना है, तो ध्यान में दृष्टि विराम को विकसित किया जाता है। इसलिए आपको पता होगा मौन वचन के द्वारा पढ़ते हो ना, किस पेज पे ये चीज लिखी हुई होगी, किस पत्ते पर ये चीज लिखी हुई और किस जगह पे लिखी हुई होती है, ये भी आपको पता होता है। आगे जब भी कंफ्यूजन आता ना, फटाफट आप पीछे ले लेते हो, इस पेज पे इस साइड में लिखी हुई होगी, ये किसके कारण है भाई, दृष्टि विराम के कारण है। परिचित शब्दावली का सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना, मौन वचन के द्वारा यदि आप कोई नए शब्द ग्रहण कर रहे हो तो उनको कहां परिवर्तन करना, आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन करना, दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करना, जिससे भाषा अच्छी हो जाए, ये भी मौन वचन का उद्देश्य 100% है। ये कह रहा भाई अधिक समय में कम ज्ञान देना, अरे नहीं भाई, कम समय में अधिक ज्ञान देना, कि ना सर्वाधिक अर्थ ग्रहण यही से करता है, तो कम समय में अधिक ज्ञान देना इसका उद्देश्य ना, अधिक समय में कम ज्ञान देना नहीं है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, गंभीर गंभीर मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है,
क्या कह रहा भाई, गंभीर या गहन अध्ययन है, इसका उद्देश्य नहीं है। विषय वस्तु पर अधिकार करना, सीधी भाषा का अभ्यास करना, केंद्रीय भाव की खोज करना या नवीन सूचना एकत्रित करना। दोस्तों कोई आपको नई चीज की यदि आपको जानकारी चाहिए ना, तब आप कैसा वो करोगे, गंभीर गहन अध्ययन करोगे। कैसा अध्ययन करोगे, गहन अध्ययन करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कोई नई चीज की जानकारी लेनी है तो। ये तो है भाई, ये पूछ रहा केंद्रीय भाव की खोज करना, बिल्कुल इस पाठ का मुख्य बिंदु क्या है, मेन भाव क्या है, मेन अर्थ क्या है, यदि आपको ये जानना है तो इसको ये पाठ को आपको गंभीर रूप से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों में से भाई, विषय वस्तु पर अधिकार करना या सीधी भाषा का अभ्यास करना, ये कह रहा भी गंभीर विषय वस्तु पर अधिकार करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। क्योंकि मान लो कि आपने देखा होगा ना, ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये बात इस किताब में उस जगह पे लिखी हुई है, जब जब अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, अपने आपकी अभिव्यक्ति अच्छी बनाना चाहते हैं, तो बाद बाद में प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण कैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने विषय वस्तु पर अधिकार कर रखा है। यदि आप किसी विषय वस्तु को अधिकार करना चाहते हो, उस विषय वस्तु को पूरा अपने हाथ में करना चाहते हो ना, तो कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, मौन वाचन करना पड़ेगा। दोस्तों मौन वाचन में भी कौन सा, गंभीर मौन वाचन, गहन मौन वाचन करना, सीधी भाषा का अभ्यास, केवल आपको तेज गति से बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है ना, इसके लिए आपको त्वरित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्वरित। ये गंभीर इसके अंदर नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, त्वरित वाचन का मुख्य उद्देश्य है। देखो अब मुख्य शब्द आ गया ना, अब इसके अंदर कभी भी उपरोक्त सही नहीं होगा। मुख्य का मतलब ये तीनों भी हैं, लेकिन इसमें से एक सही है। ये कह रहा मुख्य उद्देश्य, अच्छा ऐसा नहीं है पूछा है, मुख्य उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है भाई, क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। मतलब तीन है, सूचना एकत्रित करना, अरे कोई भी चीज आपको ढूंढनी है, जैसे ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, कोई आप चीज भूल गए और किताब में से यदि वो चीज ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, तेज गति से मौन वाचन करोगे। दोस्तों ध्यान ना, भूले हुए शब्द को ढूंढने के लिए कौन सा वाचन किया जाता है, त्वरित वाचन किया जाता है। ऐसा कोई शब्दार्थ है जो कठिन है और आपको नहीं समझ में आ रहा, पाठ वापस पढ़ना है ना, तेज गति से उसका क्या करोगे, वाचन करोगे। सूचना एकत्रित करना बिल्कुल सही है भाई। साहित्य से परिचय प्राप्त करना, ये भी सही है। आनंद प्राप्त करना या सीधी भाषा का अभ्यास करना, सीधी भाषा का अभ्यास करना तो 100% है, मैंने अभी बताया। आनंद प्राप्त करना नहीं है दोस्तों, आनंद प्राप्त करना त्वरित वाचन का उद्देश्य नहीं है। कि आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, आनंद प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये भी उद्देश्य तो है, लेकिन कैसा उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। तेज गति से पढ़ोगे ना तो अर्थ ग्रहण नहीं होगा, तो आप पढ़ करके राजी हो जाओगे कि मैंने इतने घंटे में इतने पेज पढ़ लिए, लेकिन वास्तविकता में अर्थ ग्रहण नहीं होता। आनंद की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों, उद्देश्य तो है। सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा वाचन, कौन सा तत्व वाचन पर प्रभाव नहीं डालता। आप बालकों को वाचन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, वाचन पढ़ा रहे हो, तो इसमें से कौन सा तत्व है जो वाचन पर प्रभाव नहीं डालेगा। मानसिक विकास, अरे बच्चे का यदि मानसिक विकास बराबर नहीं हुआ कैसे पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये बोल रहा है ग्रह कार्य, अरे ग्रह कार्य से क्या लेना देना है वाचन का। सही उत्तर बिना देखे कर दो भाई बी। अनुभव या शब्दावली, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, है ना, एचपी टेट का प्रश्न है भाई, हिमाचल प्रदेश के टेट का प्रश्न है भाई, ये कौन सा हो जाएगा आपके, शब्दावली भी इसका उत्तर सही है। तो ये भी शब्दावली से भी प्रभाव डाला जाता है, अनुभव से भी, है ना, वाचन पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक विकास से भी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी से प्रभाव नहीं पड़ता है तो किससे नहीं पड़ता है, ग्रह कार्य से। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में से कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए बालक कौन सा वाचन करेगा। आपने बालक को कोई चीज पढ़ाई है, अब ये बालक को कोई कठिन शब्द है जो उसको नहीं मिल रहे हैं, यदि उसको ढूंढना चाह रहा है तो कौन सा वाचन करेगा। तो इसका ऑप्शन है सस्वर वाचन, त्वरित वाचन, गंभीर वाचन या कोई सभी। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई चीज आपको यदि किताब में से ढूंढनी है ना, तो आप क्या करोगे, त्वरित वाचन करोगे, तेज गति से वाचन करोगे। बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा वाचन करोगे आप, त्वरित वाचन। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से वाचन की त्रुटियां हैं, यानी कौन कौन सी त्रुटियां हैं जो वाचन के अंदर कहता है, वाचन करते करते समय दिक्कत हो सकती है। क्षेत्रीयता का प्रभाव, अनुचित गति या अर्थविहीन पठन। इस अर्थविहीन पठन को भी आप जानते हो, केवल पढ़ रहे हो और अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हो ना, ऐसा पढ़ना कोई काम का नहीं है। अनुचित गति, यानी तेज, ज्यादा तेज गति से पढ़ रहे हो या ज्यादा धीरे गति से पढ़ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। गति यदि बराबर नहीं है तो वो भी पढ़ना कोई काम का नहीं है। क्षेत्रीयता का प्रभाव, क्षेत्रीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है, इसको सही क्या बोलते हैं अपन, प्रश्न, लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न, क्या बोलते हैं, प्रश्न। ये जो प्रश्न बोल रहे हैं ना, ये कौन सा प्रभाव है आपका, क्षेत्रीयता का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है भैया, क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो निम्न में से वाचन की त्रुटियां हैं, तो निम्न में से वाचन की त्रुटियां, क्षेत्रीयता का प्रभाव होगा तभी वाचन में त्रुटि होगी, अनुचित गति होगी तभी त्रुटि होगी, अर्थविहीन पठन होगा तभी त्रुटि होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से वाचन की त्रुटियां नहीं है,
क्या पूछा भाई, कौन सी त्रुटि वाचन की नहीं है, मतलब तीन है तो इस नहीं को अंडरलाइन करो, तीन कौन कौन सी है, शब्दों का समुचित ज्ञान नहीं होना। अरे ज्ञान होगा तभी तो त्रुटि करेगा ना भाई, ज्ञान होगा तो त्रुटि कैसे करेगा, नहीं है तभी तो त्रुटि करा नहीं। पूछा त्रुटि नहीं है, सरल पाठ्य सामग्री का होना, वाणी दोष होना या दृष्टि दोष होना, ये भी दृष्टि दोष है ना तो भी वो क्या है, त्रुटि है। वाणी दोष है ना तभी क्या है, वो त्रुटि है। शब्दों का समुचित ज्ञान नहीं है ना, ये भी क्या है, त्रुटि है। सरल पाठ्य सामग्री का होना, ये त्रुटि नहीं है। मतलब सरल पाठ्य सामग्री होगी तो बच्चा और अच्छा वाचन करेगा, आराम से पढ़ेगा ना, इसमें कहां से त्रुटि आ रही है। ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। यह रहा आपका अगला प्रश्न, वाचन की विधि नहीं है। क्या प्रश्न है दोस्तों, वाचन की विधि नहीं है, वाचन जो करते हो इसमें से कौन सी विधि वाचन की नहीं है। देखो कहो विधि, समवेत पाठ विधि, संगति विधि या प्रश्नोत्तर विधि। देखो चित्र देख रहे हो और कह रहे हो, ये हमेशा कौन सी विधि कहलाएगी, आपकी वाचन की विधि कहलाएगी। समवेत पाठ मतलब एक साथ पाठ पढ़ना, संगति विधि है ना गति के सब बच्चों के साथ में हमने एक गति से पढ़ना, ये भी वाचन की विधि है। प्रश्नोत्तर के द्वारा वाचन नहीं किया जा सकता, प्रश्नोत्तर से प्रश्न माध्यम होता है, पढ़ा थोड़ी जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाचन शिक्षण की विधि है। क्या पूछ रहा भाई, वाचन शिक्षण की विधि है, समग्र भाषा विधि, संप्रेषण विधि या वर्ण पठन विधि। तो समग्र भाषा विधि पूछ ले, चाहे संप्रेषण विधि पूछ ले, चाहे वर्ण पठन विधि पूछ ले, ये तीनों की तीनों किसकी है भाई, वाचन शिक्षण की है ना। एक साथ समग्र भाषा का मतलब क्या होता है, पूरी भाषाओं को एक साथ पढ़ना समग्र विधि। संप्रेषण विधि इसके द्वारा बातचीत करते हुए पढ़ना, वर्ण पठन विधि वर्ण को देख करके पढ़ना, ये सारी वाचन की शिक्षण विधि है भाई। डी सही इसका आंसर होगा। लेखन कौशल की प्रकृति है। अब देखिए पहले प्रकृति अपन ने एक पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी ये पूछा अर्थ से शब्द की ओर, शब्द से अर्थ की ओर, अर्थ से वाक्य की ओर, वाक्य से शब्द की ओर। पहले क्या भाई, एक जैसे ऑप्शन जब भी ऑपोजिट देखे ना तो दूसरों को काट दो, ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इन दोनों में से एक क्या होगा, सही होगा। दोस्तों शब्द से अर्थ की ओर मैंने पहले आपको बता दिया था, इसका जो होगा ना अर्थ से शब्द की ओर। यानी कि लेखन कौशल के अंदर क्या करते हैं, पहले आप जब पढ़ रहे होते ना तब तो आप क्या करते हो, पहले आप शब्द ग्रहण करोगे और उसका अर्थ ग्रहण भी कर लोगे। अब आप लेखन कौशल में शब्द तभी लिखोगे जब उसने आपका अर्थ ग्रहण कर रखा है। जैसे मैं आपको कहूं क, तो आप क कब लिखोगे, जब आपको उसका अर्थ पता होगा। तो ये अर्थ से शब्द की ओर चलता है, सही उत्तर क्या हो जाएगी इसकी, एक। पहले अपने एक पढ़ा था वो शब्द से अर्थ की ओर चल रहा था, ए इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लेखन कौशल का महत्व है। लेखन कौशल का महत्व है इतिहास सुरक्षित रखने में, साहित्य सुरक्षित रखने में या श्रुति लेख में या उपयुक्त सभी में। अरे इतिहास सुरक्षित रखने में ना लेखन कौशल का मुख्य महत्व है, साहित्य सुरक्षित रखने में मेन है। क्योंकि किसी भी चीज को यदि दीर्घ काल तक जीवित रखनी हो ना तो कौन से कौशल का प्रयोग करेंगे हम, लेखन कौशल का। श्रुति लेख में तो होता ही है, इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लेखन कौशल की विधि नहीं है। कौन सी विधि लेखन कौशल की नहीं है भाई, खंडशः लेखन विधि, अस्पष्ट वर्ण विधि, देखो कहो विधि या स्वतंत्र अनुकरण विधि। दोस्तों स्वतंत्र अनुकरण विधि यानी बालक अपनी मर्जी से कुछ भी अनुकरण कर रहा है लिखने का, ये लेखन कौशल की विधि है। स्पष्ट वर्ण विधि, साफ वर्ण लिख रहे हो, ये बिल्कुल लेखन कौशल की है। खंडशः विधि यानी खंड खंड में बालक को आप सिखा रहे हो ना, अलग अलग खंडों में सिखा रहे हो, वो भी कौन सी होगी, आपके लेखन कौशल की विधि। देखो और कहो विधि वाचन कौशल की है दोस्तों, लेखन कौशल की नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लेखन कौशल की विधि है रेखा अनुकरण, नमूना आधारित या बिंदु अनुकरण या उपयुक्त सभी। तीनों लेखन कौशल की विधि है दोस्तों। रेखा अनुकरण कैसे, ये आपने ऐसे रेखा बना करके दे दी, बालक क्या करेगा, इस रेखा का अनुकरण करेगा और अ लिख देगा। नमूना आधारित विधि की अपन बात करें तो ज्योमेट्री बॉक्स आपने खरीदी होगी बचपन में, उसमें एक प्लास्टिक की है ना ऐसी एक पट्टी टाइप आती है जिसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर आप पेंसिल से घुमाते तो अक्षर आपकी कॉपी के अंदर बन जाते हैं, वो कौन सा होगा आपका, नमूना आधारित। फिर आता है बिंदु अनुकरण विधि, बिंदु का मतलब ऐसे पॉइंट बना करके दे दिया आपको, इस पॉइंटों को आप मिला करके आप लिख दो अ, ये कौन सी कहलाएगी आपकी, बिंदु अनुकरण। ये सारी की सारी लेखन कौशल की विधियां हैं दोस्तों। ये रहा आपका सरल एवं सबसे कठिन कौशल है। पहले सरल और दूसरा कौन सा पूछा है इसने, कठिन। श्रव्य लेखन, लेखन श्रव्य, वाचन श्रव्य या पठन लेखन। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई सबसे सरल कौशल है ना वह है सुनना, और सबसे जो कठिन है ना वह कौन सा है भाई, लिखना। कौन सा है भाई, कठिन है जो लिखना। तो ये देखो पहले सरल दे रखा है तो ये श्रव्य, फिर कौन सा दे रखा है उन्होंने, कठिन, तो ये लेखन। दोस्तों ध्यान रखना, यदि प्रश्न ऐसा जाता ना सबसे कठिन और सबसे सरल है तब ये ना लेखन जहां पे पहले सही होगा और श्रव्य दूसरे नंबर पर सही होगा। जो क्रम ऊपर होगा ना वही क्रम आपको नीचे भी देखना है। आप जोश जोश में ऐसे मत कर देना श्रव्य सरल और लेखन सरल है ना। देखो लेखन श्रव्य भी दे रखा है, लेखन श्रव्य भी दे रखा है,
लेखन और श्रव्य भी दे रखा है, लेकिन लेखन और श्रव्य अपन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो श्रव्य लेखन और लेखन श्रव्य एक ही ऑप्शन है। श्रव्य लेखन अपन को सही क्यों करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है सरल से कठिन, सरल और कठिन, तो सबसे सरल श्रव्य हो गया। पहले इधर सरल है तो इधर भी सरल वाला देखो, बाद में इधर कठिन है तो इधर भी कठिन वाला देखो, इसलिए आपका ए सही हो रहा है, दो सही नहीं हो रहा है। ये छोटी सी बातें पर ध्यान रखना, मैंने आपको ये बात पहले बता रहा था, तो मैंने बताया था ये चीज़ कौशल में भी आती है, मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, प्रमाणीकरण के लिए उपयोगी कौशल है पठन लेखन श्रवण और वदन। आपको पता है बोली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू किसकी होती है, लिखी हुई चीज़ की वैल्यू होती है। प्रमाणीकरण का मतलब आपके पास में क्या सबूत है, तो सबूत देने के लिए चीज़ कैसी चाहिए आपको, लिखी हुई चीज़ चाहिए। तो लेखन कौशल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, व्यवहारिक कौशल है। निम्न में से व्यवहारिक कौशल कौन कौन से, सुनना पढ़ना बोलना लिखना, सुनना और बोलना या उपयुक्त सभी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, सुनना और बोलना व्यवहारिक कौशल है, पढ़ना और लिखना ये कौन से भाई अधिगम कौशल है, जिसके द्वारा भाषा सीखी जाती है। तो ये हो गया इसका सही उत्तर, सुनना और बोलना। इसी के साथ में आपके कितने प्रश्न पूरे होते भाई, यहाँ पे 600 प्रश्न, कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, 600 प्रश्नों का सफर यहाँ पे पूरा किया। इसके आगे का जो होगा ना अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, मन लगा करके तैयारी करें, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन अपने मन में नहीं रखें ना। आपसे ज़्यादा चिंता है मुझे कि मैं आपको गलत ना पढ़ा दूं, तो आपसे ज़्यादा वीडियो को मैं देख लेता हूं, तो गलती की कोई संभावना ही नहीं है। आंखें बंद करके आप पढ़ते रहें, और मुझे आशा है कि चारों के चारों कौशल यहाँ आज आपके क्या हो गए होंगे, पूरे समझ में आ गए होंगे। कौशल के जितने प्रश्न आ सकते थे उतने के उतने प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। आप जुड़े रहिए, मैंने पहले ही बताया ना, यदि ये रीट आगे खिसक गई ना दोस्तों, तो मैं आपको ना शिक्षण विधियाँ पूरी की पूरी ऑनलाइन करवा दूंगा, अरे सामाजिक वालन SST वालन सबके करवा दूंगा। धीरे धीरे मनोविज्ञान के प्रश्न भी आपको ऐसे ही ऑनलाइन ला करके करवा दूंगा। मैं कोशिश पूरी ना थोड़ी सी आगे बढ़ गई ना, मैं आपकी 80 नंबर की तैयारी करवा दूंगा, वरना इस 2100 प्रश्नों के माध्यम से आपके 50 नंबर तो करवा ही दूंगा। ऐसे ही आप साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को थोड़े और से जोर करते रहिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए भाई राधे राधे।